हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कीपैड हेडलॉक को कैसे हैंडल किया जाता है। हमने जब भी किसी बटन को प्रेस करते हैं, हम क्लिक के थ्रू प्रेस करते हैं, लेकिन अगर हमने उसको, जैसे यहाँ पर मैं माउस से प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमने इसको एंटर से प्रेस करना हो, या जैसे पासवर्ड यहाँ पर लिखे और एंटर क्लिक करें और हमारा लॉगिन हो जाए, इसे कहते हैं कीपैड हेडलॉक। आज हमने एक तो ये काम करना है, सेकंड हमने यहाँ पे एक चेकबॉक्स लगाना है जिस पे क्लिक करने से आपको यहाँ पे पासवर्ड शो होगा कि आपने क्या पासवर्ड एंटर किया है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि चेकबॉक्स लगा लेते हैं। सिंपली चेक बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसका नेम चेंज कर लेते हैं, शो पासवर्ड। इसका वेरिएबल नेम भी चेंज कर लेते हैं, मैंने सिंपल पासवर्ड रख दिया। अब इसके बैकएंड में जाकर हमने कुछ कोड लिखना है। हमने इसका वेरिएबल नेम यहां से कॉपी किया, और यहां पेस्ट कर दिया, डॉट इज सिलेक्टेड। और इसे सिलेक्ट करने से जिस फील्ड में हमारा पासवर्ड शो होगा, उसका नेम कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर दिया, डॉट सेट इको। अच्छा, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, जैसे हमारा चेकबॉक्स पे क्लिक होगा, हमें पासवर्ड शो हो जाएगा जो हमने एक्चुअली लिखा होगा, वरना बाय डिफॉल्ट हमें स्टैटिक शो होता है। अब एल्स लगा लेते हैं, अगर आपने चेकबॉक्स को क्लिक नहीं किया तो हमें स्टैटिक ही शो हो। यहाँ स्टैटिक लिख लेते हैं। नो, हमारा चेकबॉक्स का काम कंप्लीट हो गया है। हम जैसे यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे पासवर्ड शो हो जाएगा जो हमने एंटर किया है। अब जो सेकंड हमारा मेन काम है वो ये है कि अगर इस बटन को माउस के थ्रू, माउस प्रेस किए बगैर भी आप इसे प्रेस कर सकते हैं एंटर के थ्रू। यहाँ पे आपने सिंपली इवेंट पे जाना है, की में जाना है और की प्रेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ वेरिएबल का नाम जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पास हो रहा है, गेट की कोड डबल इक्वल टू की इवेंट। डॉट अब हमने यहाँ से ढूंढना है कि एंटर प्रेस होने पर ये काम हो। एंटर। अब इसके अंदर हमने वो कोड कॉपी करना है जो हमने माउस क्लिक करने पे पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था। जो माउस हैंडलिंग का कोड है सेम एज इट इज, अपने यहां से कॉपी करना है और यहां आके एज इट इज आपने से पेस्ट कर देना है इस इफ कंडीशन के अंदर। और सेकंड, अगर आप यहाँ पे कहें कि जैसे मैं पासवर्ड एंटर करूँ, पासवर्ड एंटर करते जैसे मैं एंटर का बटन प्रेस करूँ तो मेरा लॉगिन हो जाए, उसके लिए भी हमने सेम काम करना है। इवेंट्स में जाना है, की एंड की प्रेस्ड, यहाँ भी हमने सेम कोड लिखना है इफ ईवीटी डॉट की इवेंट डॉट। यहां भी हमने सेम कोड एंटर कर देना है, सॉरी पेस्ट कर दिया। अब हम इसे रन करते हैं। अपना नाम लिखा मैंने, देन पासवर्ड,
अब ये शो पासवर्ड से देखें, जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड जो होगा जो आपने लिखा हुआ है और ये मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पर अपना कर्सर रख के सिर्फ एंटर कर प्रेस करूँ तो तब भी मेरा लॉगिन होगा। ये मेरी कीपैड हैंडलिंग है। और अगर मैं टैब से इस बटन पर आ जाऊँ तो वहाँ जाकर एंटर प्रेस करूँ मेरा तब भी लॉगिन होगा। इसे कहते हैं कीपैड हैंडलिंग कि अपने माउस प्रेस किए बगैर आपने यहाँ पे सिंपल एंटर किया और आपका लॉगिन हो गया। और ये सेम पासवर्ड है जो मैंने अपने डेटाबेस में स्टोर करवाया हुआ था। थैंक यू गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि GUI के थ्रू डेटाबेस में वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट की जाती हैं।